तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का बिहाइव इंग्लिश बुक में जो बिहाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 काठमांडू। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। जो राइटर है इसका, जो लेखक है इस चैप्टर का, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत मतलब अच्छा लगता है, वो एंजॉय करता है। इट वेरी मच, उसको ट्रैवलिंग बहुत ही पसंद है। इन हिज बुक, अपने इस बुक के अंदर, हेवन लेक मतलब अपनी बुक के अंदर जो जिसका नाम है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। इसकी बुक है, इसका नेम है हेवन लेक, ठीक है। इसकी बुक में इसने पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया है, पूरी जर्नी को अच्छे से मतलब एक-एक चीज बताई है जो इसने यात्रा करी है ना, जो इसने लॉन्ग जर्नी करी है, लंबी यात्रा करी है, उसको इसने डिस्क्राइब किया है। चाइना से इंडिया पे जो जर्नी करी है इसने, चाइना से लेके इंडिया तक जो इसने जर्नी करी है, वाया तिब्बत एंड नेपाल, तिब्बत और नेपाल के थ्रू, ठीक है। तो चाइना से इंडिया में इसने ये जर्नी की है, और इसने इस अपनी पूरी यात्रा को, पूरी इस लंबी यात्रा को अच्छे से डिस्क्राइब कराया है अपनी इस वाली बुक के अंदर। हेवन लेक नाम से एक बुक है इसकी, उसमें इसने डिस्क्राइब किया है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हालेबिड? तो क्या आपने इन प्लेसेस के बारे में सुना है, जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हालेबिड? तो ये सारी प्लेसेस, कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस, क्या आप कुछ और प्लेसेस के नाम बता सकते हो? व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? जो आपके सिटी के अंदर, आपके शहर में जो कोई होली प्लेस है, होली प्लेस का मतलब होता है एक तरह से धार्मिक पवित्र स्थान कह लो, होली प्लेस मतलब जो पवित्र स्थान होते हैं या धार्मिक स्थान कह लो, जो भी पवित्र स्थान है, तो उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी होती है, पवित्र स्थान के आसपास क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? तो कोई भी जो धार्मिक स्थल है या फिर कोई भी होली प्लेस है, पवित्र जगह है कोई, तो उसकी सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया कैसा होता है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ काठमांडू। तो विक्रम सेठ के इसने डिस्क्रिप्ट मतलब इसने जो डिस्क्रिप्शन किया है काठमांडू के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ते पढ़ते आप सोचना कि आपके अगर आसपास कोई, आपकी सिटी में कोई धार्मिक स्थल है, कोई पवित्र स्थल है, तो उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं वो कैसी हैं, उसके चारों तरफ कैसा मतलब दिखाई देता है। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। चीप का मतलब होता है सस्ता, तो टाउन मतलब कस्बा, जैसे जो सिटी ना हो प्रॉपर, कस्बा है थोड़ा, ठीक है, तो टाउन है, टाउन के सेंटर में मुझे एक सस्ता सा कमरा मिल गया, सस्ता सा कमरा मिल गया रहने के लिए, सोने के लिए, एंड स्लीप फॉर आर, ठीक है, तो मैंने मुझे एक सस्ता सा कमरा मिल गया सोने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। तो अगली सुबह, तो यहाँ पे सो गया इस रूम में, चीप रूम में, अगली सुबह क्या हुआ, मिस्टर शाह कोई है इंसान, उनका बेटा, मिस्टर शाह का बेटा, और मिस्टर शाह का नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, मिस्टर शाह का भतीजा, मिस्टर शाह का बेटा और भतीजा, भतीजा होता है जो भाई का जो बेटा होता है उसको हम बोलते हैं भतीजा, ठीक है। नेफ्यू, भांजे को भी नेफ्यू ही बोलते हैं, भतीजे को भी नेफ्यू बोलते हैं। तो मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, तो मिस्टर शाह का एक तो बेटा था और उनका भतीजा, दो जने थे। इन दोनों के साथ आई विजिट टू टेम्पल्स, मैंने मैंने कौन है ये, विक्रम सेठ, ये जो है जो राइटर है इस पूरी स्टोरी के, वो है, वो कह रहे हैं विक्रम सेठ कह रहे हैं कि मैंने मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू, उनके भतीजे के साथ टेम्पल, दो टेम्पल्स देखे काठमांडू के अंदर, मंदिर देखे काठमांडू के अंदर, दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज, जो हिंदूज को बहुत ही ज्यादा सैक्रेड होते हैं मतलब पवित्र, मतलब हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा मान्य है ये टेम्पल्स, और बुद्धिस्ट जो बुद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मान्य है। सैक्रेड का चलो यहाँ से भी लिख लो,
इसको यहां से लिख लो, कनेक्टेड विद गॉड, अ गॉड और रिलीजन। सेक्रेट का मतलब होता है ईश्वर, किसी देवता या धर्म से संबंधित। टू इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल टू बी चेंज्ड और हार्म, ये अपना फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। सेक्रेट का मतलब होता है, मतलब एक तरह से धार्मिक कह लो, किसी धर्म से संबंधित। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो काठमांडू के अंदर दो टेम्पल्स देखे इसने। काठमांडू अपना जो नेपाल है, नेपाल जो कंट्री है उसकी राजधानी है काठमांडू। तो आई विजिट टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सेक्रेट टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो मैंने काठमांडू के अंदर दो टेम्पल्स देखे जो कि हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ज्यादा सेक्रेट है, मतलब बहुत पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एट पशुपति नाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। पशुपति नाथ टेम्पल का नाम है, ठीक है। प्रोक्लेम का मतलब होता है मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है घोषणा करना। मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, मतलब पब्लिकली कोई चीज बताना कि सिर्फ हिंदू ही एंटर कर सकते हैं, जैसे लिखा है ना इसमें, या फिर ऑफिशियली, ठीक है, अभी बता रखा है कि सिर्फ इस मंदिर के अंदर पशुपति नाथ, ये मंदिर का नाम है, इस मंदिर के बाहर क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम, मतलब एक साइन, एक बोर्ड लगा रखा है और उस बोर्ड पे ये घोषणा कर रखी है कि एंटर एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश है, सिर्फ सिर्फ हिंदू प्रवेश कर सकते हैं, बाकी मुस्लिम्स या कोई अदर जो भी कास्ट है वो नहीं एंटर कर सकते। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब होता है हरिड एक्टिविटीज कंप्लीट क्योज। तो हरिड एक्टिविटीज मतलब भागा दौड़ी हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा। क्योज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब अस्त व्यस्त होना सब कुछ, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर एक तरह से। यहां से भी इसको लिख लो। डिसऑर्डर देखो, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर कंफ्यूजन, ठीक है। तो बहुत, क्योस का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी। क्योस का मतलब होता है अव्यवस्था और गड़बड़ी। आगे चलते हैं अब। तो फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब हो गया यहाँ पे कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ थी तो इस वजह से बहुत भागा दौड़ी और एकदम डिसऑर्डर था, मतलब कोई कुछ ऑर्डर में नहीं था। मंदिर के बाहर होते हैं ना कितने सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए लिखा है देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। तो वहां पे फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब माहौल था चारों तरफ, क्योंकि भीड़, बहुत भीड़ होती है वहां पे, इसलिए। प्रीस्ट, हॉकर्स, डेवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर प्रीस्ट होते हैं, पुजारी कह लो या पुरोहित कह लो, जो पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको प्रीस्ट कहते हैं, पुजारियों को। हॉकर्स हो गए, जो बेचने वाले नहीं होते, सामान बेचने वाले, माला ले लो, प्रसाद ले लो, वैसे जो आवाज लगाते रहते हैं। डेवोटीज, भक्त जन जो मतलब मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, डेवोटीज मतलब हो गए भक्त। और टूरिस्ट जो बाहर से देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट मंदिर वंदिर देखने के लिए आते हैं। काउस, गाय और मंकी, बंदर वंदर सब रहते हैं ना मंदिरों के आसपास, पिजन भी रहते हैं मंदिर के आसपास, जो कबूतर होते हैं वो भी रहते हैं, और डॉग्स, डॉग्स भी घूमते रहते हैं। तो रोम थ्रू द ग्राउंड, रोम का मतलब होता है, तो वो ग्राउंड में ये सब घूम रहे थे, ठीक है। इनका मीनिंग यहाँ से भी लिख लो फटाफट। प्रीस्ट का लिख लो यहाँ से, प्रीस्ट मतलब पुजारी या पुरोहित। पुरोहित, पुजारी, अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनी इन सम रिलीजियंस। पुरोहित या पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, ठीक है, प्रीस्ट बोलते हैं इसको, जो पुजारी होते हैं मंदिर में वो। और हॉकर्स होते हैं जो
अपना सामान बेचते हैं कि माला ले लो, ये ले लो, फेरी वाला लगा मंदिर के आसपास, तो यही भी लड्डू बेच ले लो, प्रसाद ले लो, तो वो हॉकर्स जो बहुत चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स अबाउट सेलिंग गुड्स टिपिकली एडवर्टाइजिंग देम बाय शाउटिंग, कहते ना कि प्रसाद ले लो, माला ले जाओ, चुनरी ले जाओ माता की, वो उनको हॉकर्स बोलेंगे। और डेवोटीज होते हैं जो भक्त होते हैं, जो दर्शन के लिए आते हैं, वो होते हैं डेवोटीज। तो डेवोटी में आप लिख लो ये, अ पर्सन हु लाइक्स समबडी समथिंग वेरी मच, नहीं ये मत लिखो, इसमें इंग्लिश का ही लिख लो ये वाला, पर्सन इज वेरी इंटरेस्टेड समथिंग स्ट्रॉन्ग बिलीवर पड़े, ये वाला ये है इसका, अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और गॉड, जो मतलब भगवान का, डेवोटी मतलब हो गया भगवान का एक तरह से भक्त जो होते हैं उनको डेवोटी बोलते हैं अपन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये मीनिंग्स लिख लेना सब। अब नेक्स्ट, वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स, वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो यहाँ क्या पढ़ा था अपन ने, जो पशुपतिनाथ जो मंदिर था, ये मंदिर का नाम है, इसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि सिर्फ हिंदू एंटर कर सकते हैं, वहां पे फेब्राइल कंफ्यूजन का माहौल था, मतलब बहुत ज्यादा भागा दौड़ी थी, वहां पे प्रीस्ट पुरोहित पुजारी हॉकर्स डेवोटी टूरिस्ट ये सब वहां पे घूम रहे थे ग्राउंड के अंदर। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स मतलब ऑफर करे गॉड को, भगवान को चढ़ाए हमने कुछ फ्लावर। ठीक है, देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स, वर्शिपर्स होते हैं जो पूजा करने वाले, मतलब वर्शिपर जो जो पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ मांगते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना, वहां से भी लिख लो इसको, वर्शिप मतलब प्रार्थना करने वाले, जो भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, वही दे दो, तो वर्शिपर्स। पुजारी जो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे वर्शिपर्स, जैसे अपन पूजा करते हैं ना भगवान की, तो अपन भी वर्शिपर्स हैं। अ पर्सन हु शोज रेवरेंस एंड एडोरेशन फॉर अ डेटी, कोई भी पर्सन जो रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, या डेटी मतलब हो गया देवता, देवता का जो सम्मान करे, मतलब जो जैसे हम हैं, वर्शिपर जो पूजा करें, वर्शिप का मतलब होता है पूजा और वर्शिपर मतलब पूजा करने वाला। तो देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो वहां पे क्या था, बहुत सारे वर्शिपर्स थे, बहुत सारे मतलब लोग आए थे, वही भक्त भक्तों के लिए आए वर्शिपर्स, जैसे अपन सब जाते ना मंदिर, तो जो भी लोग मंदिर गए थे उनके लिए बोला है वर्शिपर्स। तो वहां पे बहुत सारे वर्शिपर्स थे, बहुत सारे लोग थे, दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, तो जो कुछ लोग थे उनमें से, वो जो पुजारी की अटेंशन नहीं लेते कि भाई हमें हमारे सर पे भी हाथ रख दो, हमारे हमें भी प्रसाद दे दो, या फिर हमको भी जो दिया से वो नहीं लेते आरती लेकर वो हमें भी दे दो, पुरोहित जो भी करता रहता है ना, तो वो सोचे कि हम प्रीस्ट के अटेंशन पाना चाह रहे थे वो। तो देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, मतलब वो प्रीस्ट के अटेंशन पाना चाह रहे थे, दूसरे उनको पुश कर 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 धकेल धकेल के, धक्का मुक्की नहीं होती रहती कि पुजारी से लो मतलब हमारा प्रसाद चढ़ा दो, वो प्रसाद चढ़ाते इतने में तो उसको धक्का मार मार के साइड में कर देते, इतनी भीड़ रहती है मंदिर के अंदर, तो वहां पे ये सब हो रहा था। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपियर्स, एक प्रिंसेस राजकुमारी नेपालीज रॉयल हाउस की राजकुमारी वहां पे आई, मतलब अपियर हुई मतलब प्रकट होना, या आई वहां पे आई वो। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, सब बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है ना, ऐसे झुक के आदर के लिए झुकते हैं ना अपन, सम्मान के लिए, जैसे कोई राजा महाराजा आते हैं या कोई राजकुमारी आती है, जब तो जब राजकुमारी आई तो सबके सब झुककर मतलब झुककर उनका सम्मान नहीं करते, आदर करते हैं, सब सबके सब झुक गए और उन्हें रास्ता दे दिया सबने, एक दूसरे को तो धक्का मार रहे थे, और जैसी राजकुमारी आई उनको सबने
मतलब बो किया, प्रणाम किया, झुके उनके आगे और सबने उन्हें मेक वे, मतलब उनके लिए रास्ता दिया, उन्हें रास्ता, ठीक है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। मेन गेट पे पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड, क्लैड का मतलब होता है कपड़े के लिए हम यूज करते हैं, से भी इसको लिख लो एक बार। क्लैड मतलब क्लोथ होते हैं एक तरह से, ड्रेस्ड और वियरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग, वस्त्र पहने हुए, विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए। क्लैड मतलब, ठीक है, ड्रेस्ड, तो क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड, मतलब पहने हुए। तो मेन गेट पे अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड, सेफ्रॉन कलर के उन्होंने वो पहन रखे थे। सेफ्रॉन अपना जो भगवा रंग जिसको बोलते हैं वही होता है सेफ्रॉन, जो ऑरेंज कलर का होता है ना थोड़ा थोड़ा, जो भगवान के भक्त सब पहनते हैं, और जो वो भी पहनते हैं योगी जी हैं वो भी पहनते हैं, नारंगी, पीला रंग, केसरिया रंग, ठीक है, केसर, जाफरन, ब्राइट येलो पाउडर फ्रॉम अ फ्लावर दैट इज यूज इन कुकिंग, ब्राइट ऑरेंज येलो कलर, ऑरेंज जो अपने वो पहनते हैं योगी जी पहन के रखते हैं, तो सैफ्रॉन कलर है, केसरिया कलर, केसरिया रंग, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज येलो कलर। तो इस तरह के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। किन्होंने पहन रखे थे? वेस्टर्नर्स, वेस्टर्न मतलब कोई विदेशी थे, विदेश से आए हुए थे, और वो उन्होंने सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहन रखे थे, और वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे फॉर परमिशन टू एंटर, मतलब उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी गेट के अंदर घुसने की, क्योंकि लिखा था ना कि सिर्फ हिंदू घुस सकते हैं, ये तो वेस्टर्नर्स, वेस्टर्न मतलब ये तो फॉरेनर्स थे एक तरह से, तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मतलब बहुत प्रयास करना पड़ रहा था परमिशन लेने के लिए, कि अंदर जाने की परमिशन इन्हें नहीं मिल रही थी, तो ये मेन गेट पे खड़े हुए थे। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। तो जो पुलिस मैन था वो मान नहीं रहा था, क्योंकि गेट के बाहर लिखा है कि सिर्फ हिंदू घुस सकता है टेम्पल के अंदर, तो ये वेस्टर्नर्स बोल रहे थे, ये विदेशी कह रहे थे कि हमें भी घुस जाने दो, ये कपड़े पहन के आए थे भगवान के, सैफ्रॉन कपड़े पहन के आए थे और बोले हमें भी घुस जाने दो, जो पुजारी पहन के रखते हैं ना अपने, तो पुलिसमैन मतलब माना नहीं, इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, क्योंकि हिंदूज को सिर्फ टेम्पल में एंटर होना अलाउड था। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी को मना लेना अपनी बात के लिए, राजी कर लेना, यहां से लिख भी लो इसको, ये वाला लिखो, ये वाला, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना, मना लेना, राजी कर लेना, ये है अपना कन्विंस, मतलब किसी को मना लेना। तो पुलिस वाला मान ही नहीं रहा था, टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग, ये लिख लो तुम, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना, मना लेना या राजी करना। आगे चलते हैं, तो देखो, तो पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड, तो कन्विंस्ड पुलिसमैन था वो नहीं मान रहा था कि ये लोग हिंदू नहीं है तो इनको अलाउ नहीं है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो मंकी थे उनके बीच में एक वो मतलब लड़ाई होने लगी, वो लड़ने लग गए दोनों के दोनों। वन चेजेस द अदर, चेज करना मतलब किसी का पीछा करना, तो एक मंकी था वो दूसरे मंकी का पीछा कर रहा था, दोनों में लड़ाई हो गई, कुछ खाने के लिए हो गई होगी लड़ाई, एक ने कुछ केला उठा लिया होगा तो दूसरा उसका पीछे पीछे जा रहा था कि मुझे भी दे आधा केला। वन चेजेस द अदर, एक मंकी था वो दूसरा मंकी उसको उसके पीछे पीछे भाग रहा था, दोनों लड़ रहे थे। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंगा देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन द रिवर। तो उनमें से एक, वन चेजेस द अदर हु जम्प्स ऑन टू अ, मतलब जो चल रहा था आगे वो शिवलिंगा, जो वहां पे शिव की जो शिवलिंग थी उसके ऊपर वो जंप कर गया, कूद गया और फिर वहां से भी भाग गया। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए टेम्पल के चारों तरफ भागने लगा, एंड डाउन द रिवर, और फिर रिवर के वहां भाग गया। द होली
बागमती, ये टेंपल की देखो फोटो है, पशुपतिनाथ टेंपल काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, नेपाल की राजधानी है, नेपाल एक कंट्री है, अपनी जो इंडिया है उसकी नेबरिंग कंट्री है नेपाल, अपना पड़ोसी ही है नेपाल, ठीक है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जैसे अपने इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऐसे नेपाल की कैपिटल है, राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में, नेपाल में काठमांडू के अंदर ये एक टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, जिसमें सिर्फ हिंदुओं को एंट्री है और कोई एंटर नहीं कर सकते। तो ये टेम्पल देख लो, टेम्पल की फोटो दिखा रखी है, ये है पशुपतिनाथ टेम्पल। तो रिवर पे चला गया, द होली बागमती, होली बागमती दैट फ्लोज बिलो, रिवर का नाम बता रखा है ये बागमती, ठीक है। तो होली का मतलब होता है एक तरह से पवित्र, जो पवित्र बागमती रिवर थी वहां, उस वहां चला गया। मतलब ये जो बंकीज थे, बंदर थे, ये एक दूसरे के साथ मतलब लड़ रहे थे, और एक आगे उसके, दूसरा उसके पीछे पीछे। तो मंदिर के चार, पहले शिवलिंग पे कूदा, फिर मंदिर के चारों तरफ, और फिर रिवर में, रिवर के वहां चला गया, दैट फ्लोज बिलो। कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, मतलब जो रिवर थी, जो बागमती रिवर थी, बागमती जो नदी थी, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, ये नदी है, इस नदी के किनारे यहाँ पे कोई, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को क्रीमेट कर रहे थे, क्रीमेट का मतलब होता है जलाना। तो अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, तो रिवर के बैंक पे, रिवर के किनारे पे कोई डेड बॉडी को जला रहे थे। इनको यहां से भी लिखो दोनों वर्ड्स को, मैं इसको रब कर देती हूँ मैं। कॉर्प्स हम यूज करते हैं किसी की डेड बॉडी के लिए, मृत शरीर के लिए। कॉर्प्स का मतलब होता है अ डेड बॉडी स्पेशली ऑफ अ पर्सन, शव लाश, ठीक है, कॉर्प्स डेड बॉडी, ये लिख लो यहाँ से। और लिख लो दूसरा, क्रिमेट का मतलब होता है जलाना, जो हम जलाते हैं ना डेड बॉडी को, हिंदू जो होते हैं वो डेड बॉडी को जलाते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो दफनाते हैं। क्रिमेट मतलब टू बर्न द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन एज पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल सर्विसेज, तो फ्यूनरल सर्विसेज का ये पार्ट है। फ्यूनरल होता है मतलब जो दाह संस्कार, जो सर, वो पूरा जो जलाने की जो प्रोसेस होते है उसको बोलते हैं अपन। क्रीमेट का मतलब होता है डेड बॉडी को बर्न करना। ये सारी मीनिंग्स लिख लो। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, ठीक है। अ सेरेमनी फॉर बरिंग और बर्निंग अ डेड बॉडी, किसी मृतक का अंतिम संस्कार करना, ठीक है, या तो उसे बरी कर देना, मुस्लिम जो होते हैं वो तो मतलब दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो जला देते हैं, तो इसको फ्यूनरल बोला जाता है, इस पूरी उसको, पूरा जो अंतिम संस्कार की जो प्रोसेस होती है। तो अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब कोई एक डेड बॉडी थी जिसे क्रिमेट किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, बागमती जो नदी थी उसके किनारे पे, बैंक्स मतलब होते हैं किनारा, नदी के किनारे को बोलते हैं। वॉशरवुमन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ, तो जो वॉशरवुमन थी मतलब जो कपड़े धोने वाली औरतें थी, वो अपना काम कर रही थी, वो अपने कपड़े धो रही थी, और जो चिल्ड्रन थे वो नहा रहे थे, जो बच्चे थे वो नहा रहे थे। तो हम वेद पढ़ते हैं इसको, टू वॉश और पुट पार्ट ऑफ द बॉडी इन वॉटर, ऑफन फॉर मेडिकल रीजन, शरीर के किसी अंग को जल से धोना, जल का स्पर्श करना, टू स्विम इन द सी और इन अ लेक और रिवर, समुद्र नदी झील में तैरना, ठीक है, वेद बोलते हैं इसको अपन। तो चिल्ड्रन वेद, टू स्विम इन द सी और इन अ लेक और रिवर। तो वॉशर वुमन थी, वो अपना काम कर रही थी, कपड़े धो रही थी, और जो चिल्ड्रन, बेद चिल्ड्रन वहां पे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, एक बालकनी से बास्केट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पूरा बास्केट मतलब पूरी एक तरह से टोकरी
टोकरी, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, तो फ्लावर की, फूलों की पूरी एक टोकरी एंड लीव्स, और उसमें पत्तियां भी थी, फूल और पत्ती थे। तो फ्रॉम द बालकनी ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इन टू द रिवर्स, तो सारे के सारे रिवर में फेंके जा रहे थे। विल्टेड होता है जैसे जो एक तरह से फूल और पत्तियों का मुरझा जाना। यहां से लिखते हैं इसको, देखो मुरझाना, पौधे या फूलों का। यूज अबाउट अ प्लांट और फ्लावर टू बेंड और स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ हीट और अ लैक ऑफ वाटर। जो फूल होते हैं मुरझा जाते हैं ना कुछ, जब अपन तोड़ते हैं तब तो फ्रेश रहते हैं, फिर एक दो दिन अपन रख देते हैं तो वो एकदम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पौधे या फूल का मुरझाना, कुमलाना, पानी की कमी या गर्मी के कारण। तो विल्ट का लिख लो, यूज अबाउट अ प्लांट प्लांट और फ्लावर टू बेंड और स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ हीट और लैक ऑफ वाटर। तो फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इन टू द रिवर। तो रिवर के अंदर, नदी के अंदर बालकनी से एक बास्केट थी, टोकरी थी जिसमें फूल थे और जिसमें लीव्स थी, तो वो सारी की सारी क्या है, मुरझा रखी थी एक तरह से, वो सब के सब नदी में बहा दी गई, गिरा दी गई, ड्रॉप कर दी गई। श्राइन क्या होता है, अ प्लेस ऑफ वर्शिप। श्राइन होता है मतलब जहाँ, मतलब एक तरह से पवित्र स्थान, श्राइन भी वही होता है जहां पे भगवान की पूजा वूजा होती है, धार्मिक स्थान। यहां से भी लिख लो इसको, पूजा स्थल, जैसे पूजा स्थल या मंदिर। ठीक है, अ प्लेस दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस रीजन और बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ स्पेशल पर्सन। तो एक ऐसी जगह है दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो या लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो फॉर रिलीजियस रीजन बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू, विशिष्ट व्यक्ति या सामाजिक वर्ग के लिए धार्मिक कारणों से या व्यक्ति विशेष से संबंधित होने के कारण। महत्वपूर्ण कोई स्थल, मंदिर, पूजा स्थल, मकबरा, समाधि। ठीक है, तो ये श्राइन में आ जाते हैं सब, मतलब एक तरह से पूजा स्थल या पवित्र स्थल। अ स्मॉल श्राइन हाफ पोर्ट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ। यहां से भी इसे लिख लो, उभरा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ। देखो, टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और सरफेस, सतह आदि का बाहर की ओर निकलना। प्रोट्रूडिंग आईज और टीथ, जैसे जो दांत होते हैं किसी के बाहर की ओर निकले होते हैं। ठीक है, किसी की आंखें होती हैं बड़ी बड़ी, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोट्रूड का मतलब होता है टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और सरफेस, बाहर की ओर निकलना। तो अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, मतलब एक पत्थर था उससे, मतलब कोई जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ वो उभरा हुआ था वो पत्थर, तो वहां उसको एक पवित्र स्थल मान रखा था, मतलब वो पूजा का स्थल है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, मतलब एक पत्थर था सीधा उससे उससे ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ था हिस्सा पत्थर का, तो उसको मतलब एक तरह से टीके वीके लगा देते ना अपन पत्थरों के, तो वो ऐसे हो रखा था। व्हेन इट इमर्ज फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। तो मतलब इस तरह की मान्यता थी कि व्हेन इट इमर्ज फुली, ये आधा निकला हुआ था ना स्टोन में से, आधा पार्ट बाहर निकला हुआ था। द स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूडेड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, जैसे ये स्टोन है पत्थर है तो उससे आधा ऐसे बाहर निकला हुआ था, तो ये कह रखा है कि जब वो पूरा बाहर आ जाएगा, इमर्ज फुली, जब वो पूरा बाहर आ जाएगा तो गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो जो अंदर की जो देवी है वो एक तरह से छूट जाएंगी, और जो इविल पीरियड है कलयुग का, कलयुग का जो बुरा पीरियड है वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धरती पे, मतलब कलयुग खत्म हो जाएगा।
जब ये पत्थर पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब लोग ऐसे कहते हैं मानते हैं। हेवन होता है स्वर्ग, अ सेफ प्लेस, स्वर्ग जहां पे कहते हैं ना सब कुछ अच्छा अच्छा होता है हेवन के अंदर, और हेल होता है नर्क। तो हेवन है सेफ प्लेस, मतलब स्वर्ग है। एट द बुद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। एट द बुद्धनाथ स्तूपा, स्तूपा का भी यहां से लिख लो। स्तूपा होता है अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड एज अ बुद्धिस्ट श्राइन। इसके फोटो दिखा देती हूँ, देखो। गुबंद के आकार का बौद्ध स्मारक, अपने मंदिरों के भी ऊपर होता है स्तूपा, अपने मंदिरों के ऊपर भी होता है ये। इसमें दिख जाएगी फोटो शायद। फोटो यहां से दिखाती हूँ, ये रस, ये स्टूपा की फोटो है। ये अपने मंदिरों में भी ऐसी गुबंद होती है ना ऊपर की तरफ, मंदिर भी इसी तरीके से बनते हैं। तो अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड एज बुद्धिस्ट श्राइन, गुबंद के आकार का बौद्ध स्मारक। और इमेजेस दिखा देती हूँ, ये सारे स्टूपा की इमेजेस है, सब के सब। ये सब स्टूपा है जो ऊपर की तरफ ऐसे गोल होता है ना ये, तो इसको हम पढ़ते हैं स्टूपा। एट द बुद्धनाथ स्टूपा, तो बुद्धनाथ का जो स्टूपा था, मतलब जो भी स्मारक था, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, काठमांडू की ये बुद्धिस्ट श्राइन है, मतलब बुद्ध लोगों का स्थल है एक तरह से। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब वहां पे एकदम शांति थी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया कि जो मंदिर के, मतलब मंदिर, और अगर मैं बुद्धनाथ स्तूपा को देखूं तो बुद्धनाथ स्तूपा जो था यहाँ पे एकदम स्टिलनेस थी, मतलब एकदम शांति। बुद्ध लोग के जब जाओगे ना, जैसे बुद्ध के मंदिर है तो शांति रहती है एकदम, और अपने मंदिरों में क्या रहता है, थोड़ा मतलब भागा दौड़ी, थोड़ा शोर शराबा ऐसे रहता ना, तो ये बता रखे हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जैसे अंतर, मंदिर और बुद्ध के जो स्टूपा था इनमें अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, अंतर देखें, तो ये अंतर था। यहाँ पे तो स्टिलनेस थी। कॉन्ट्रास्ट का देखो यहाँ से लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स दैट शो डिफरेंस बिटवीन दैम, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है इसने, मंदिर और स्तूपा के बीच में, कि मंदिर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और यहाँ पे एकदम शांति थी। क्लियर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पीपल दैट इज सीन व्हेन दे आर कंपेयर्ड, तो कंपेयर करना और डिफरेंस देखना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब आगे चलते हैं। इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, इसकी जो इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो इसके इसका जो इतना बड़ा डोम था, डोम का मतलब गुंबद शेप का है, गोल गोल जो शेप का है उसको डोम शेप बोलते हैं। ठीक है, डोम जो भी फोटो दिखाई थी ना मैंने गोल शेप ऊपर, तो इट्स इमेंस व्हाइट डोम, इसका व्हाइट कलर का जो एक गुंबद था, व्हाइट कलर का जो डोम था बहुत ही बड़ा था। इज रिंग्ड बाय अ रोड, मतलब ये चारों तरफ इसके क्या थी, मतलब रोड थी। स्मॉल इमेंस का, चलो यहां से भी लिख लो फटाफट, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इमेंस का मतलब हो गया वेरी बिग और ग्रेट, अत्यधिक, असीम, अपार, इमेंस डिफिकल्टी। ठीक है, शी गेट इमेंस प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन, इमेंस मतलब बहुत बड़ा। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एजेस, तो छोटी छोटी दुकानें भी थी। ये जो बुद्धनाथ जो स्तूपा था इसके चारों तरफ रोड थी और छोटी छोटी दुकानें थी। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स,
तो ज्यादातर जो दुकानें थी वो उनके मालिक कौन थे, तिब्बत, जो तिब्बतन तिब्बती लोग थे ना, वो थे उनके मालिक। इमिग्रेंट्स का भी यहां से लिख लो, जो दूसरे देश से आके बस जाते हैं, दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु हैज कम इन टू अ फॉरिन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। इमिग्रेंट होते हैं जो दूसरे देश से आ जाएं और हमारे देश में बस जाते हैं, उनको कहते हैं। अ पर्सन हु हैज कम इन टू अ फॉरिन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति, अप्रवासी। तो इमिग्रेंट कौन हो गए, कौन कौन हो गए, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई बाहर से, कोई दूसरी कंट्री से, कोई नेपाल से आ जाए सपोज, और अपने यहाँ पे ही बस जाए, यहाँ पे रहने लग जाए, इधर ही घर खरीद ले, तो वो होते हैं इमिग्रेंट्स, उनको कहते हैं इमिग्रेंट, जो दूसरी कंट्री से आके और हमारे यहाँ बस जाए। तो आज इतना ही कर पाएंगे, खत्म होने वाली है मीटिंग, यहां तक हो पाएगा आज, फटाफट पढ़ देती हूँ। तो जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स थे सारे के सारे, जो भी जिनकी दुकानें थी, उनके मालिक, फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें खरीदी जा सकती थी, सिल्वर की ज्वेलरी खरीद सकते हो आप, फेल्ट बैग्स खरीद सकते हो, फेल्ट बैग, तिब्बतन प्रिंट्स और सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, ये सारी चीजें खरीदी जा सकती थी। मीटिंग एंड होने वाली है, बस आज यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे से। देर आर नो क्राउड्स, वहां कोई भीड़ नहीं थी। देर इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, वहां पे एकदम शांति थी, इतनी बिजी स्ट्रीट थी तब भी वहां पे एकदम क्वाइटनेस थी, क्वाइटनेस मतलब शांति थी। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से करेंगे। If you like the video, please like, share and subscribe my channel. I hope you like this video. Thanks for watching. Have a nice day.